नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको ब्लाउज की बैक का एक बहुत ही सुंदर सा और आसान सा नेक डिजाइन बनाने का सिंपल सा तरीका। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे ये मैंने ब्लाउज का पीस लिया हुआ है, बैक साइड कटिंग करके रखी हुई है आपके सामने, जिसमें हम डिजाइन तैयार करेंगे। और डिजाइन तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने जो हमारी साड़ी में कलर होते हैं वही आपने यूज करने हैं। जैसे यहाँ पे जिस साड़ी में जो कलर है, एक ब्लैक कलर होगा और एक गोल्डन कलर होगा और एक रेड, तो तीन कलर होंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा रेड कलर का, और दो कलर से हम गोल्डन और ब्लैक से डिजाइन तैयार करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम गले की कटिंग करते हैं। गले की कटिंग करने के लिए हमें देखना होता है हमें डीप और ब्रॉड गला कितना रखना है। तो यहाँ पे हम जो हम ब्रॉड लेंथ रखते हैं वो रखेंगे 5.5 इंच की, और डीप लेंथ रखेंगे तकरीबन हमारी 9 से 9.5 इंच डीप लेंथ आनी चाहिए। इसके बाद नीचे की साइड हम 3 से 3.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। इस प्रकार से निशान लगाते हैं 3 से 3.5 इंच पे। आप इस निशान को कम ज्यादा कर सकते हो जितना आपका गला है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो मैंने नीचे 3.5 इंच पे निशान लगाया है इसको भी आप 4 से 4.5 तक भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है जितना आपने बनाना हो। अब इस लाइन को हम इस प्रकार से सीधा खींच लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। ये हमारा गले का तैयार नाप होगा और नीचे की साइड हमारा एक्स्ट्रा डिजाइन आएगा। अब हमने यहां से एक निशान लगाना है, इस प्रकार हल्की सी राउंड शेप देते हुए, इस प्रकार से हल्की हल्की राउंड शेप देंगे और इस निशान को इस प्रकार से हम ऊपर तक कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ पे गैप रखते हुए, ये गैप भी आप 1 इंच का रख सकते हो, 1.5 का रख सकते हो, 1.25 का, वो आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे निशान लगाऊंगा दूसरा, इस प्रकार 1.25 इंच का निशान मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है ये। अब हमें यहाँ से इस प्रकार का निशान लगाना है, यहाँ से हम सीधा इस तरीके से लेके चलेंगे और यहाँ पे राउंड शेप देंगे इस प्रकार। ये राउंड शेप हमने ऊपर तक डालनी है, ये जरूरी नहीं कि आपने यहीं तक डालनी है, हमने यहाँ पे ऊपर तक डालनी है ताकि हमारी नोक अच्छे से आ जाए। अब हमने इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। सबसे पहले हम बाहर वाले निशान के ऊपर कट करेंगे, तो बाहर वाला गला हमारा कटिंग हुआ है। इसमें हम 1/2 से 1.25 इंच मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से कटिंग करेंगे। अब हम ये वाला गला हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट कटिंग हो चुका है बाहर वाला। अब हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ पे इन निशानों के ऊपर। ये हमारी दोनों साइड की इस तरीके की पट्टी आएंगी जो यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे राउंड शेप ये वाली डालनी है। ये पट्टी हमारी यहाँ पे इस प्रकार आएंगी दोनों की दोनों इस तरीके से। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से अपना गला कंप्लीट कटिंग कर लिया है। अब हम इनको पेस्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सा पीस हमें किस तरीके से पेस्ट करना होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा सबसे बड़े वाला गला होगा ये वाला, ये हम करेंगे लाल कपड़े के ऊपर पेस्ट, इस वाले के ऊपर।
अब ये दो पट्टी हो जाती है हमारी, ये करेंगे हम ब्लैक के ऊपर, ये हमारा ब्लैक कलर होगा। और जो छोटी दो पट्टियां बचेंगी, दो पीस बचेंगे, ये करेंगे हम यहाँ पे गोल्डन के ऊपर पेस्ट। तो इस प्रकार सबसे पहले हम पेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे गले सभी पेस्ट कर लिए हैं। ये हमारा मेन बाहर वाला गला होगा जो अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है, ये नजर नहीं आता। और ये वाला हमारा इसके अंदर लगेगा जो कि ब्लैक कलर की पट्टी यहाँ पे नजर आएंगी इस प्रकार से, और दो पीस हमारे यहाँ पे आएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने तीनों चीजें पेस्ट कर लिए हैं, बड़ा गला, फिर छोटा गला, फिर अंदर के ये दो पीस पत्ती वाले। दोस्तों कटिंग के और पेस्टिंग के बाद अब मैं आपको इस ब्लाउज की स्टिचिंग दिखाता हूँ। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें जो हमने सबसे बड़ा गला कटिंग किया हुआ है इसको तैयार करते हैं। इसको तैयार करने के लिए बाहर की साइड का हमने आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी कपड़ा कटिंग कर दिया है। अब जो ये कपड़ा बचता है इसको हम बुकरम के ऊपर इस प्रकार से फोल्ड करते हैं। ऊपर का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम गले का सेंटर बना लेंगे इस प्रकार से। अब हम ब्लाउज की बैक साइड इस प्रकार रखेंगे, सीधी साइड ऊपर की साइड, और यहाँ पे इस तरीके से सेंटर का ध्यान रखते हुए इस प्रकार से गले को रखेंगे। अब हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हमने सिलाई लगा ली है। अब एक पैर का मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से कटिंग करेंगे। जहां पे नोक आती है वहां पे इस प्रकार से कट लगाते हैं, और जहां पे हमारी गोलाई आती है वहां पे हम इस प्रकार कट लगाते हैं। अब हम इसको बुकरम वाले गले को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, और अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद सीधी साइड हमारी इस प्रकार से नजर आएगी। यहाँ पे हम ऊपर से एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे एक गला अपना कंप्लीट कर लिया है बाहर वाला। अब हमें जो अंदर के पीस हमने दो कटिंग किए हुए हैं यहाँ पे ये ब्लैक वाले, इनको तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे इस तरीके से अटैच होंगे। तो इनको तैयार करने के लिए हमें इतनी ही लंबाई चौड़ाई वाला एक पीस चाहिएगा इसको तैयार करने के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिया हुआ है। ऐसे यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, बाहर की साइड हल्का हल्का मार्जिन रहना चाहिए ताकि हमारी अच्छे से सफाई से ये पीस तैयार हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से बुकरम के साथ साथ यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे।
पैर का मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार कट लगाएंगे हल्के हल्के। अब हम बीच में से इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। बाहर की साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं जहां तक हमारी बुकरम होती है। एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे ब्लैक पट्टी के साथ साथ। दोस्तों एक साइड की मैंने यहाँ पे ये पट्टी अपनी तैयार कर लिया है। इसी प्रकार सेम तरीके से हम इस साइड की पट्टी भी तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों दोनों साइड के हमने ये दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब हम जो हमारा मेन रेड वाला कपड़ा होता है मेन फैब्रिक का, तो इसकी पट्टी पलटते हैं हम ओरे वाली 1.5 इंच चौड़ाई वाली। यहाँ पे इस प्रकार से एक पैर चौड़ाई वाली हम यहाँ से यहाँ पे इस प्रकार से पट्टी तैयार कर लेते हैं ओरे वाली। हम यहाँ पे इनको ऊपर से इस प्रकार से अटैच करेंगे इस तरीके से। दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने इधर पट्टी लगाई है यहां पे भी दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार से पट्टी कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों साइड ये पट्टी लगा के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको यहाँ पे ब्लाउज में अटैच करते हैं इस प्रकार से ऐसे रखेंगे। और जहाँ पे जितना हमने मार्जिन कटिंग किया था सेम उतना ही मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई से अटैच कर लेते हैं। प्रकार हमने एक साइड की ये पट्टी अपनी अटैच कर ली है। दूसरी साइड की पट्टी में भी हम सेम मार्जिन रखते हुए सेम दिखनी चाहिए हमारी देखने में बराबर दबाव रखते हुए यहाँ पे इसको भी अटैच करेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पे ये वाली पट्टी भी कंप्लीट कर ली है।
इस प्रकार दोस्तों जहाँ तक हमारा यहाँ तक हमारा गला तैयार हो जाता है। अब हमारी बीच वाली जो पत्तियाँ हैं ये वाली दो, इनको हम यहाँ पे इस प्रकार से अटैच करते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पे अटैच करनी है। तो इनको अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें इनको भी तैयार करना होता है। तो इनके लिए भी हम एक कपड़ा लेंगे, इस प्रकार रखेंगे नीचे की साइड ऐसे, और यहाँ पे भी हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। इस प्रकार सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हम यहाँ पे भी ऊपर से एक पट्टी लगाएंगे रेड कलर की ही। एक पीस हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है, दूसरा पीस भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब हमें यहाँ पे इनको अटैच करना है इस प्रकार से। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है मार्जिन हमारा जितना हमने कटिंग किया था बुकरम वाला पीस वो ही तैयार आना चाहिए इस प्रकार से। आप चाहे तो इसमें निशान लगा लें ताकि दोनों पत्तियों की सेप हमारी बराबर रहे, कम ज़्यादा ना हो। इस प्रकार हम यहाँ पे रखते हुए निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हम निशान लगा लेते हैं जहाँ तक हमें ये अटैच करनी होती है, और यहाँ पे भी हम इस प्रकार निशान लगा लेंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे हम इन्हीं निशानों के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर से। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये पीस भी अपने अटैच कर लिए हैं। अब जैसे हमने गला तैयार रखना है 9.5 इंच का, और ये हमारा डीप हो जाता है ज़्यादा, तो हम यहाँ पे 9.5 तक देखते हैं। इस प्रकार से निशान लगाते हैं इस तरीके से, और यहाँ के लिए हम एक डिजाइनिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये मैंने निशान लगा दिए, इसे कवर करने के लिए हमें यहाँ पे छोटा सा डिजाइन बनाना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3x3 की इस प्रकार की पट्टी कटिंग की है, ब्लैक और रेड कलर की। ये 3x3 की पट्टी होगी। यहाँ पे इनको हम समोसा फोल्ड करते हैं इस प्रकार से, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह की। एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा, जैसे हमारी 3x3 की ये पट्टी है,
इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार की हम 7 से 8 पीस ये तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से फोल्ड करते हुए। यहाँ पे दोस्तों सभी पीस हमने इस ट्रायंगल शेप के तैयार कर लिए हैं ये वाले। अब हम एक थोड़ा बड़ा पीस लेते हैं, उसको भी ट्रायंगल शेप से एक साइड से तैयार करते हुए, और यहाँ पे हम इस प्रकार से रखेंगे ये पीस इस तरीके से। ऐसे रखते हुए यहाँ पे जो हमारा सेंटर की नोक होती है इन पीसों की, यहाँ पे सिलाई करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने नोक वाली साइड पे इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब ये पीस हमारा तैयार हो जाता है यहाँ पे लगाने के लिए। इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस प्रकार से, इस तरीके से, और दोनों साइड बराबर गैप रखते हुए यहाँ पे इसको ट्रायंगल शेप वाले जो हमने सभी पीस तैयार किए हैं बराबर गैप रखते हुए साइड से सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये गला अपना कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी बाहर की ये बाउंड्री रह जाती है ये वाली, इस पे क्या करेंगे हम गोल्डन कलर की पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे गोल्डन कलर की और ये वाली पट्टी तैयार करते हैं, और फिर यहाँ से इसको अटैच करेंगे जैसे हमने यहाँ पे ये वाली पट्टी अटैच की थी। इस प्रकार दोस्तों हमने बाहर की साइड यहाँ पे ये गोल्डन पट्टी लगा के और अपना पूरा गला अपना कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सुंदर यूनिक नेक डिजाइन है ये दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।